वहीं अफगानिस्तान में बदले घटनाक्रम के बीच पीएम मोदी 22 सितंबर को अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 22 सितंबर को अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। यहां पर पीएम की राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी संभव दिखाई दे रही है। पीएम मोदी 23 सितंबर को कई मुद्दों पर जो बाइडेन से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा 25 सितंबर को पीएम मोदी के संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी जाने की तैयारी की चर्चाएं हैं। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए इतना मायने रखता है क्योंकि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये दोनों बड़े नेता की पहली आमने सामने मुलाकात हो सकती है। ऐसे में कई मुद्दों पर चर्चा संभव है और कई बड़े समझौते भी होते दिख सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी का वार्षिक उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का हिस्सा बनना भी काफी मायने रखता है। अभी के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और पिछले ही महीने अध्यक्षता भी समाप्त हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इस दौरे के दौरान अफगानिस्तान और चीन को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात कर सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये दोनों मुद्दे पीएम मोदी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहने वाले हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बात हुई है। चीन की मीडिया का दावा है कि बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच फोन पर दूसरी बार बातचीत हुई है। अफगानिस्तान में बदलते हालात के बीच जब चीन तालिबान के साथ खड़ा है, ऐसे में बातचीत अहम हो जाती है। साथ ही कल जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। अमेरिका और चीन में तल्खियां लगातार बरकरार हैं। जाहिर है अफगानिस्तान में बदले हालात के बीच पीएम मोदी की अमेरिका जाने की तैयारी, तो वहीं जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फोन पर हुई बातचीत ऐसे घटनाक्रम है जो नए कूटनीतिक इशारे करते नजर आ रही है।